एक हाल में रिसर्च आई है जो कि पॉल्यूशन के ऊपर है, यानी प्रदूषण के ऊपर है। न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सन्ना, उन्होंने ये रिसर्च में पाया है कि पुरुषों का प्राइवेट पार्ट कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और उसमें खराबी होती जा रही है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है और उसका रीजन बताया है उन्होंने हमारे आसपास फैले हुए प्रदूषण को। न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में प्रोफेसर डॉक्टर सन्ना स्वान ने अपनी रिसर्च के आधार पर एक किताब लिखी है। उनका दावा है कि मानवता के आगे बांझपन का संकट पैदा हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल फैथलेट्स यानी एंडोक्राइन सिस्टम पर असर करता है। एंडोक्राइन सिस्टम ही हार्मोन्स बनाता है। प्रोफेसर स्वान के अनुसार बड़ी संख्या में छोटे लिंग वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस रिसर्च से जुड़ी खबर जब स्काई न्यूज ने ट्वीट किया तो महिलाओं ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ ने लिखा कि चलो इसी बहाने तो सही, पुरुषों को पर्यावरण की थोड़ी फिक्र होगी। यह रिसर्च सामने आती सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई। बहुत सारे यूजर्स ने इसमें, जो ज्यादातर महिलाएं थी, उन्होंने पुरुषों का मजाक बनाना शुरू किया। ये भी कहा कि पुरुष अब पर्यावरण के प्रति ध्यान देंगे। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने लिखा कि शायद अब दुनिया जलवायु संकट और वायु प्रदूषण को थोड़ी और गंभीरता से लेगी। वहीं पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा कि आप सभी से अगली जलवायु हड़ताल में मिलती हूँ। कुछ पुरुषों ने इस रिसर्च का भी मजाक उड़ाया है। डॉक्टर स्वान की किताब पीर रिव्यूड रिसर्च पर आधारित है। काउंटडाउन नाम की किताब में उन्होंने लिखा है कि फैथलेट्स का इस्तेमाल प्लास्टिक को और फ्लेक्सिबल बनाने में होता है। उनके मुताबिक यह खिलौनों और खाने में ट्रांसमिट हो जाता है और अंत में मानव विकास को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने चूहों में पाए जाने वाले फैथलेट्स सिंड्रोम से रिसर्च शुरू की। पता चला कि भ्रूण इस केमिकल के संपर्क में आते थे, वे छोटे जननांगों के साथ पैदा होते थे। उन्होंने यह भी पाया कि जिन इंसानी बच्चों का गर्भ में इस केमिकल के संपर्क में आना हुआ है, उनका लिंग छोटा हुआ। कैसे शरीर पर असर करता है। फैथलेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करता है और इसके चलते हार्मोन बनाने का शरीर का काम बिगड़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक इससे नवजातों के यौनिक विकास और वयस्कों के व्यवहार पर गंभीर असर पड़ता है। इससे पहले 2017 में भी एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पिछले 4 दशकों में पश्चिम देशों के जो पुरुष हैं उनके स्पर्म काउंट में 50% यानी आधे की गिरावट हुई है। इतनी बड़ी गिरावट होने के पीछे का जो मकसद है वो भी पॉल्यूशन को बताया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में जो न्यूयॉर्क के डॉक्टर सन्ना हैं उन्होंने इस पर ये कहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही, ऐसा ही चलता रहा, तो 2045 तक जितने भी पुरुष हैं धरती पर उनमें से ज़्यादातर लोगों का स्पर्म इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि वो फर्टिलाइज कर सकें। बहुत ही भयानक मंजर है और हम सभी लोगों को, अपने आसपास के तमाम लोगों को, तमाम इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं उनको बचाना होगा, पर्यावरण पर ध्यान देना होगा, प्रकृति को बचाना होगा, वरना धीरे धीरे वन बाई वन आज हमारी कला की और परसों हम सभी एक साथ तबाह हो सकते हैं। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।